बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद करते हैं। एंकर इमरान रियाज खान के मामले में अब पानी सर से गुजरता जा रहा है। एक जानब तो इत्तलाआत यहां तक मौसूल हो रही हैं कि उन्हें इस वक्त कैद में धमकियां दी गई हैं कि अपना किबला दुरुस्त कर लो वरना पुलिस मुकाबला भी हो सकता है, वरना राह चलते तुम्हें रास्ते से हटाया भी जा सकता है। तो इस हवाले से भी डिटेल्स रखूंगा, लेकिन इस वक्त थाने में क्या सूरत हाल है और क्या मामलात चल रहे हैं, किस तरह से टॉर्चर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इस वक्त एंकर इमरान रियाज पर, मैं वहां पर मौजूद लोगों की गवाही की रोशनी में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त एंकर इमरान रियाज के हवाले से इत्तलाआत हैं कि अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जबकि मामला सिर्फ इस वक्त चकवाल तक नहीं रहा, अब लाहौर में इंतजार हो रहा है, लाहौर में माहौल बनाया जा रहा है और मैदान सज चुका है। कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त ये इंपोर्टेड सरकार क्या तैयारी कर रही है, किस तरह से ये अब अगली हाथ भी फलांगने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से तो ये उसके जज्बे को शिकस्त नहीं दे सके, इस तरह से तो ये उसे निशाने इबरत नहीं बना सके। जो अचीव करना था वो अचीव नहीं कर पाए। दो ही आपके टारगेट थे, एक ये कि ये डर जाएगा और बाकी सहाफी भी इसका अंजाम देखकर खौफजदा हो जाएंगे। इमरान रियाज डरा और ना ही बाकी सहाफी बाज आए हैं। हक की आवाज बनने वाले मजीद खुलकर सामने आ चुके हैं। फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही, तो इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। और अब क्या मामला है, आपने सोचा था कि उसकी आवाज रुक जाएगी, आवाज दब जाएगी, उसके तीन दिन से वी लॉग नहीं आए और अब हर वी लॉग उसी पर आ रहा है, अब हर शख्स उसकी बात कर रहा है और क्यों ना करे। वो कल पाकिस्तान की आवाज था, वो पाकिस्तानियों की आवाज था, तो आज पाकिस्तानी उसकी आवाज बन गए हैं। अब मामला आपके सामने आया कि किस तरह से अटक का मुकदमा खारिज हुआ, उसके बाद चकवाल पुलिस इमरान रियाज को हिरासत में लेकर चकवाल ले आई, 10 गाड़ियां गई, पूरा लौ लश्कर गया, क्योंकि बहुत बड़ा मुजरिम है, सच बोलना बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी उसे कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब इसके बाद इत्तलाआत आई कि चकवाल में रात गए, उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, 5 घंटे वहां पर उनकी गिरफ्तारी डाली गई, पेपर वर्क मुकम्मल किया गया, 2 बजे अदालत में पेश किया जाने वाला था इमरान रियाज को। और चकवाल सेशन कोर्ट में ऐसे लग रहा था जैसे पूरे जिले की पुलिस आ गई है, इतनी हाई सिक्योरिटी थी और नामालूम मकाम पर उन्हें शहर से बाहर रखा गया। अब मामला ये हुआ है कि इमरान रियाज के वकील ने दलाइल दिए हैं, इस मामले पर एहतजाज किया है कि मेरे मौकल को यहाँ क्यों नहीं लाया जा रहा, वो इस वक्त यहाँ पर अदालत में क्यों पेश नहीं किए जा रहे, कम अज कम इमरान रियाज को वो हुकूक तो दे दें जो आईने पाकिस्तान किसी भी शहरी को देता है, कम अज कम वो हुकूक मेरे क्लाइंट को आप दे दें। इस पर मजिस्ट्रेट चकवाल बिलाल यासिर ने पुलिस को मुकदमे का रिकॉर्ड और इमरान रियाज को फौरन पेश करने का हुक्म दिया है। अब सूरत हाल ये हुई कि इमरान रियाज को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा था और फिर कोशिश एक जानब तो ये भी है कि उन्हें रात के टाइम तक पेश किया जाए ताकि फिर रात भर को वो सो ना सकें, रात को अगर जमानत हो जाए तो फिर रात का ही उन्हें सफर करवाया जाए। और आप ये बात समझ सकते हैं कि पुलिस के तो ताजा दम दस्ते आ जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए, जिस बंदे को आपने जलील करना है वो तो एंकर रियाज है, और नींद ना देना एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। चकवाल पुलिस ने एक यू टर्न लिया, थाना सदर का कहना है कि ये तो ढडियाल का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर मामला है, हमारे पास तो ये बंदा है ही नहीं। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि कल पेश कर दें, और अब इमरान रियाज जिस थाने में हैं उस थाने के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा, और लाहौर के अंदर भी एसपी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपके सामने तफसीलात रख देता हूं कि वहां पर इमरान रियाज का इंतजार किया गया जा रहा है, खत लिख दिया गया है कि इसे हमारी तहवील में दे दें, और एसपी इन्वेस्टिगेशन जो लाहौर में बैठते हैं उन्होंने ये कहा है।
यानी इतना बड़ा मुजरिम है जिसे हर जिले की पुलिस ने एक दफा चेक करना है कि ये हमारे पास आए। मियांवाली और दीगर इलाकों में भी इन पर एफआईआर्स हैं। एक जगह से छूटेंगे तो दूसरी जगह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, दो दो दिन खजल खार करवाएंगे और फिर ये टॉर्चर हो रहा है वो भी बड़ा अफसोसनाक है। थाना डडियाल के गेट को रात को बंद किया गया है, हर किस्म के आने जाने वालों के लिए थाने में दाखिला बंद है। पुलिस का रवैया वकीलों के साथ भी हतक आमेज है। थाने की बिजली को बंद कर दिया गया है और कोई सहूलत इस वक्त इमरान रियाज को वहां पर नहीं दी गई, और जिस कमरे में रखा गया है वहां पर पानी भी नहीं है। इमरान रियाज को कपड़े तक तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पानी का जो घड़ा रखा गया है उस घड़े में गंद है, और जब रात को सोने का वक्त होता है तो किसी दूसरे शहर की यात्रा करवाई जाती है या फिर थाने से किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुकम्मल तौर पर इमरान रियाज के अजम को तोड़ने की आसाब की जंग जो इन्होंने लॉन्च कर दी है एक गलती छुपाने के लिए, थोड़ा साफ करने के लिए ज्यादा गंद इन्होंने अपने मुंह पर मल लिया है। और जितना मर्जी सहाफियों को यह दबा लें, ये तो आईना है, अपने चेहरे की गंदगी को साफ करेंगे तो चेहरा साफ नजर आएगा, आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो नाज़रीन इकराम, अब खुलकर बातें हो रही हैं, अब मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। समी इब्राहिम ने इमरान रियाज के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर दी है। वो कह रहे हैं कि मुसद्दिका जराए से यह खबर है कि इमरान रियाज को इस वक्त धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें कहीं भी ले जाकर गोली मार सकते हैं, बात करना अगर तुमने बंद ना किया, अपना किबला दुरुस्त ना किया, अपना वतीरा ना छोड़ा, हमें गारंटी ना दी कि इस तरह से इमरान खान को सपोर्ट नहीं करोगे, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट अगर नहीं करवाओगे तो तुम्हारा बंदोबस्त करना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। अभी भी देख लो कि पूरे मुल्क का निजाम, आईन और कानून सब बेबस हैं, तुम्हें इधर से उधर ही फिराया जा रहा है। हम महीनों तक तुम्हें इस तरह से अंदर रख सकते हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक ही जुर्म पर मुख्तलिफ एफआईआर्स नहीं कट सकती, एक ही एफआईआर और एक ही गिरफ्तारी होगी। पीका का कानून कल अदम हो चुका है और वो शिक लगाई गई है जो पाकिस्तानी कानून में खत्म हो चुकी है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसे खत्म किया था। अच्छा, अब इसमें यही बताया गया है कि अगर तुम अपना काम दुरुस्त नहीं करोगे तो ये जो हम तुम्हें मुख्तलिफ शहरों में ले जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, हो सकता है कि रात के सफर में कोई मुजरिम क्रिमिनल इश्तिहारी पुलिस पर हमला कर दे, यानी जिस वैन में हम तुम्हें ले जा रहे हैं उस पर कोई हमला हो सकता है और फायरिंग के तबादले में तुम किसी भी डाकू की फायरिंग से हलाक हो सकते हो। तो इस तरह की धमकियां समी इब्राहिम के बकौल उन्हें दी जा रही हैं। तो इस पर हद तक, यानी इस हद तक बात बढ़ चुकी है और जिस पर यह सब जुल्म ढाया जा रहा है वो इस गिरफ्त और टॉर्चर के दौरान ये कह रहा है कि 10 साल भी इस हाल में रख लो तो फिर भी ये अजम नहीं टूटेगा। वो अभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो आज भी अपनी फौज के साथ हैं, लेकिन ये चीजें मजीद दूरियां बढ़ा रही हैं। और अब इमरान रियाज ने क्या किया है, उन्होंने इस वक्त भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कुछ जराए की तरफ से ये खबर आ रही है क्योंकि उन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। आगे भी आप देखिएगा कि एक जगह से जमानत होनी है तो दूसरे शहर की पुलिस खड़ी होनी है और वो लेकर चले जाएंगे। तो ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का मियार। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।